पर न्याय यात्रा में अभी राहुल जी यहाँ पे पहुंचे थे या विनोद बिहारी माथुर चौक, यहाँ पर श्रीमान उनका माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से वो आगे निकले हैं। लेकिन कितना युवाओं में उत्साह है, यहाँ के लोगों में उत्साह है। हालांकि बीजेपी का विकल्प तलाशने की एक पुरजोर कोशिश है, इसी चौक से जानने का कोशिश करेंगे। बागमारा प्रखंड का युवा अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ राहुल जी के आने से मजबूती मिलेगा, उनकी ही जुबानी को जरा सुने। क्या कुछ यहाँ हुआ अभी, राहुल जी आए, कितना उत्साह रहा, खासकर कांग्रेसी के मन में क्या चल रहा? देखिए, राहुल गांधी का यहाँ पे धरबार की धरती में बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वर्षों से इंतजार था, और आज ये गौरव का क्षण है कि राहुल गांधी जी हम लोग के जो आदरणीय हैं धरबार की धरती में उपस्थित हुए, यहाँ विनोद चौक में उपस्थित हुए, मोदा मोड़ में। ये काफ़ी गर्व वाली बात है हम लोग के, और कांग्रेस पार्टी हमेशा याद रखेगी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, सीधा भाषा, नजाक न लपेट, सीधा हम एक ही बात पे आ रहे हैं। आप लोग 2024 में राहुल जी का दर्शन यहाँ इसलिए करवाएं ताकि बीजेपी को धराशाही करने में थोड़ा मदद मिले, यही है ना? जी नहीं, ये बात नहीं, जो देश में जो आज आप भी देख रहे हैं भाजपा की सरकार, हम लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप ही बोलिए, क्या दिखाई दे रहा आप लोगों को? ये चुनाव का प्रचार नहीं, ये भारत में जो अन्याय फैला हुआ उसके लिए न्याय यात्रा निकाला गया, जो भारत के तौर पर भारत को न्याय यात्रा निकाला गया है। और राहुल गांधी जी के द्वारा 6,700 किलोमीटर जो है पूरे भारत में नमन करना है। क्या होगा प्रभु, ये हमको बताइए, इससे आम आदमी को क्या मिलेगा, खेला वाला को क्या मिलेगा, रेवड़ी जो बेच रहा उसको क्या मिलेगा? राहुल जी आए, यात्रा जोड़ने चल गए, मोदी जी आएंगे, संकल्प लेके चल जाएंगे, इससे आम आदमी को क्या विकल्प मिलेगा? आम आदमी के बीच में इसलिए आए हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार चला हुआ उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। भारत जो अन्याय है, युवा के रूप में जो यहाँ पर आप अध्यक्ष हैं, उनके आने से क्या युवाओं में जोश बढ़ा, या केवल आप लोग लोकसभा का भी अप्रैल से चुनाव स्टार्ट है उसके लिए गोलबंदी तैयार कर रहे हैं? जी नहीं, ये युवाओं के अंदर जो है और बल भरने का काम किए हैं राहुल गांधी जी यहाँ उपस्थित होंगे, तो युवाओं में काफी उत्साह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ युवा खड़े हुए हैं उनके स्वागत में, और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया से, महंगाई बढ़ेगा, घटेगा? घटेगी। राहुल का क्या नाम है? नाम बढ़ता है तो नहीं बोलते हैं आप, पेमेंट बढ़ा का पेमेंट भाजपा शासन ने खत्म कर दिया है, जितने भी मतलब भाजपा शासन में मतलब सरकार भाजपा में निजीकरण आप लोग नहीं कहना है, आज का युवा भटक रहा है, महंगाई बहुत खतरा है, बेरोजगारी राहुल गांधी आई है, और इसमें है कि आने वाला समय हम लोग का बहुत जल्द बदलेगा, भारत में नया सरकार आएगा।
9 साल का बेरोजगारी है और इस बार जो है राहुल गांधी अपने के दुकान में मोहब्बत के दुकान खोलने जा रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गांधी पार्टी जो है बलिदान दिया है उसके आगे कोई भी नहीं दिया। वरुण गांधी के बाद बलिदान नंबर एक बताइए, बलिदान उसका दादी दिया, उसका बाप दिया, ये बलिदान नहीं तो क्या है। दूसरा चीज आपने बोले राहुल गांधी और वरुण गांधी एक घर में जो चार बेटा रहता है सबका अलग अलग पार्टी का था, ये भी अपना अलग पार्टी बनाया, वो भी अपना अलग पार्टी बनाया, एक है और एक रहेगा। नफरत के दुकान में मोहब्बत का दुकान, ये हमको समझ में थोड़ा नहीं आता इसको बताइए। कौन नफरत फैला रहा अभी भी जरा बोलते हैं, नफरत फैला रहे भाजपा वाले उनको क्या भाग्या मिल जाएगा नफरत नफरत से पॉलिटिक्स, मतलब आप सीधा भाषा में धर्म की और हमको खींच के ले जाते हिंदू मुस्लिम ही सब कर रहे हैं। अच्छा इसे करने से क्या इसी 10 साल के अंतर्गत पूरा हिंदू मुस्लिम टूट जाएगा? हम आप अलग तो नहीं होंगे, अगर मन में विश्वास है पूरा है विश्वास तो पूरा नहीं टूटेगा लेकिन टूट चुका है। हम दोनों भाई भाई महंगाई वाला जब बात आता है तो बीजेपी पैर टूट में आ जाता है, क्या कारण महंगाई है नोटबंदी में मार रखे थे बैंक में नहीं रखे थे क्या नाम कौन आए इतनी बड़ी पार्टी धराशाही नीचे, मुझे लग रहा 323 से आप 43 पर आ गए, क्या होगा कितना समय लग जाएगा? हम इसी चौक में पूछेंगे हम आके प्रभु के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राहुल गांधी जी, 6000 किलोमीटर का यात्रा पे निकले हैं, इससे पहले 4312 किलोमीटर का यात्रा कर लिए, असम से लेकर सीधा सीधा वो जाएंगे कहां मुंबई तक, देश की वह राजधानी में जाएंगे जहां रोजगार प्राप्त का सबसे बड़ा अवसर है। हम मुंबई का पक्षधर नहीं है लेकिन झारखंड की धरती में मेरा यह सवाल होगा, पार्टियां कोई भी हो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो JMM, अगर आम आदमी कला रहा तो एक आदमी भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, केवल पार्टी जिम्मेवार है। न लाख न लपेट न सीधा, एक बात तो पूछेंगे श्रीमान अगर राहुल जी आप आए हैं तो आने वाले 2024 में जरूर कुछ न कुछ कोयलांचल की धरती के लिए लेकर आएंगे, इसको जरूर आप उजागर करिएगा। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो एक ही कोशिश है जो व्यक्ति परेशान है बेहिचक आँख में आँख डालकर डंके की चोट से मैंने सदैव एक बात पूछा है और आगे भी पूछते रहेंगे। जय हिंद।